अरे विक्की सर, आप आए हो क्या? क्या खातिरदारी करें आपकी, बताओ। गाइस, मैंने चाय पी है बाइक और इतना बेहतरीन टेस्ट आ रहा है इलायची और इलायची वगैरह का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये मैं सोचना कि दोस्त की दुकान है इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ। दो बात रियली फैक्ट है, वो वाली बता रहा हूँ। फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, फुल आप सब बेच होंगे। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 2:35 और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। और अभी का प्लान ऐसा है कि गोलू वैष्णो देवी से आया था, जो कि आप सभी को पता होगा, जो पुराने ब्लॉग्स से जुड़े हुए पहले से जुड़े हुए उनको पता है कि गोलू वैष्णो देवी से आया। इसे आने के बाद कन्या खिलाया जाता है घर में। सो अभी वही कन्या खिलाने की तैयारी चल रही है, मम्मी ने खाना वगैरह बना लिया और अभी कन्याओं को बुलाने गई है हमारी गली से। तो वो सब आते हैं तो आपको दिखाता हूँ। खाना भी रेडी हो चुका है और मम्मी गई है बाहर। इस यहाँ पर हमने बैठने का कर लिया है एग्जाम इसी रूम में। सो सब आते हैं तो आपको दिखाता हूँ। तो पहली कन्या नाम बताओ अपना। तुम नाम? ऋषि। और ये कनक। तो मेरी सभी और भी कन्या आएंगी। अभी कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4 कन्या हो गई है और भी और कन्या आ रही हैं। सो खिलाते हैं कन्या। और अभी का प्लान ऐसा है कि अभी हम लक्ष्य के पास जाने वाले हैं, मैं और विक्की। तो लक्ष्य ने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है, सो आपको वहाँ पे जाके दिखाते हैं क्या क्या कैसा प्रोसेस है। तो विक्की आ रहा है, फिर निकलते हैं हम। तो पापा आए तो उठ गई भी आ चुका है और अब निकलते हैं हम। और इसने आने में टाइम लगा दिया है, 3:50 हो गया अभी। तभी ये घर से नहीं निकला, इसकी बाइक बाहरी खड़ी है। पूरा डैडी था गाइस, बहुत चलते हैं नहाना धोना सुबह सुबह नहा धो के सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अब चलते सीधा रिक्शे के पास, वहाँ जाके मिलता हूँ आपसे। बस कर भाई, मिलता नहीं, वहाँ जाके दिखाता किसको। लेट्स गो। मैं अपनी बाइक लेके नहीं जा रहा क्योंकि एक ही जगह जा रहा है, तो विक्की की बाइक से चलते हैं। मतलब मैं पेट्रोल की फूके, सो विक्की की बाइक से चलते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ लक्ष्य की दुकान पर और ये पीछे दुकान है। मतलब ऐसी फास्ट फूड कॉर्नर टाइप का है, चाय वगैरह, सैंडविच वगैरह, बर्गर वगैरह सब है इसकी दुकान पर। आपको पूरा रिव्यू देता हूँ, अभी तो अंकल है तो हम फ्री होता है, उसके बाद दिखाता हूँ आपको, इससे बात करवाता हूँ, मेन्यू कार्ड वगैरह सब दिखाता हूँ। लोकेशन वगैरह भी सही है, कॉम्प्लेक्स है तो मतलब पूरी चीज़ें अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, खुद ही कर रहा है। सो टाइम लग रहा है। सो कल ओपन करी थी, आज भी थोड़ा काम बाकी रह रहा है। लाइटिंग वगैरह सब लग गई है, लाइट दिख रही है आपकी, और रात में काफ़ी अच्छा व्यू आता है। बेवरेजेस भी आएंगे अभी कल को, अगर सुन। अरे विक्की सर, आप आए हो क्या? क्या खातिरदारी करें आपकी, बताओ। चाय, कॉफी, मैगी। लोकेशन भी अच्छी है। गाइस, मैंने चाय पी है बाइक और इतना बेहतरीन टेस्ट आ रहा है इलायची और इलायची वगैरह का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है। सो टेस्ट काफ़ी अच्छा है। दुकान का लोकेशन मैं पिन कर दूंगा, तो आप लोग भी टेस्ट करने आ सकते हो। अपने भाई की दुकान है, कोई भी विजिट कर सकता है। वैसे से कितने लोग ही देखते हैं मेरी वीडियो, और जो भी देख रहे हैं तो विजिट करना एक बार ही। उसके टेस्ट कर भाई, मस्त अच्छा। ये मैं सोच रहा कि दोस्त की दुकान है इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ। दो बात रियली फैक्ट है, वो वाली बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। ऐसा है और देखो, सैंटा क्लॉज दूसरों को खिलाता है और आज खुद खा रहा है, चुप चुप के खाया जा रहा है। लक्ष्य और अनुराग भाई काम करने में लगे। चलो कोई नहीं, अच्छा। चाय 10 रुपये, मसाला चाय 20। मेन्यू तो काफ़ी सस्ता है। सो
भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजी है सब लोग काम करने में, क्योंकि अभी ओपनिंग भी हुई है इसलिए काम करने में बिजी है। मैं सोच रहा हूँ वापस घर चलते हैं, शाम भी हो गई है, टाइम हो रहा है 5:30 और सोच रहा हूँ घर जाने की, क्योंकि अभी लक्ष्य वगैरह काफ़ी बिजी चल रहे हैं। जब एक दो दिन में सब कुछ सेट हो जाएगा तो फिर लक्ष्य फ्री हो जाएगा, तब आके आराम से बैठेंगे, घूम लिया। और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है शाम के टाइम में, सो घर ही जाने की सोच रहा हूँ। सो विक्की भी कह रहा है घर चलने के लिए, सो घर ही चलते हैं। आप घर जाकर देखते हो क्या आते थे। तो भाई लक्ष्य जा रहा है काम से, सो आज तो मिल नहीं पाए, किसी और दिन आएंगे लक्ष्य। मिलेगा भाई, कीप सब्सक्राइबिंग इस चैनल, ओके। ओ गाइस विजिट करना, लोकेशन पिन करूंगा मैं, तो मस्त चाय मिलती है, मैंने तो पी के देख लिया। बाय गाइस। नहीं भाई नहीं गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं। अबे थोड़ी देर में तुम दूर जा रहे हो कहाँ पे? तो तू कहाँ जा रहा है? तुझे जाने थोड़ी ना दूंगा मैं। अबे इसको वहाँ जाना है ना। हाँ तो बाप की शादी है। हाँ तो कोई नहीं, तू रुक जा, तुझे छुड़वा देंगे, इतनी गाड़ियाँ हैं, क्या दिक्कत है? समझता नहीं ना यार, जा लग जाने की जल्दी है, रात तो हो रही ना, तभी तो मजा आएगा। तो भाई देख रहे हैं क्या करना है, तोड़ के मारते हैं मालिक, खुल जाता है। अच्छा, लक्ष्य तो गया है काम से रिलेटेड, मतलब मैट वगैरह लाने के लिए, अभी तो उसको टाइम लग जाएगा आधे घंटा। तो कह रहे थे कि रुक जाने के लिए, जब मैं आऊँगा तो सही से मिल भी नहीं पाएगा, काम में ही लगा हुआ था। सर ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ घर ही चले जाते हैं, पहले इस साइड के मार्केट वगैरह देख लेते हैं क्या कैसा सीन है मार्केट का, क्योंकि विक्की कह रहा है फिर मैं भी यहीं पे कुछ खोलने की सोच रहा हूँ। तो मार्केट देखते हैं, यहाँ का मार्केट तो मुझे काफ़ी सही लगा, कॉम्प्लेक्स, पीछे फ्लैट भी हैं, इस साइड कॉम्प्लेक्स है। हेलमेट लिया विक्की। सो गाइस ये विक्की इतना ज़्यादा वो है, मुझसे कह रहा रुक जाओ मैं हेलमेट लेके आता हूँ, और वहाँ पे हेलमेट ले नहीं पा रहा क्योंकि अंकल खड़े हैं, क्योंकि लक्ष्य क्या क्या कहता था रुकने के लिए, तो फिर अंकल ने पूछ लिया, इस चक्कर में ये हेलमेट नहीं उठा रहा। अंकल पूछने जा रहे बेटा कहाँ जा रहे हो, तो कैसे उठा रहा है हेलमेट, देखो कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। उठा ले, लक्ष्य को काफी ज्यादा टाइम लग रहा आने में, सो हम घर चलते हैं, किसी और दिन आके आराम से बैठेंगे, कल परसों में देखने आएंगे। कर लो पहले, बड़े लोग हो ऐसा पहले करते हो। सो भाई घर चलते हैं, अब ठंड काफी ज्यादा हो रही है, हेलमेट पहनते हैं, कानों में भी ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, हाथों में भी लग रही है, तो ग्लव्स भी लेने यार, चल पहले ग्लव्स ले लेते हैं। सो गाइस अभी घर पहुंचे और मम्मी ने मस्त आग जला रखी है, ठंड का सहारा आग। सो इस टाइम पे तो आग सबसे बेस्ट चीज होती है, हाथ बिल्कुल जकड़ गए थे, अकड़ गए थे, है ना, हाथ गर्म हो गए, जब मैंने जेब में रख लिया। मैं चला के लाया था इसलिए। नहीं नहीं बहुत, ये क्या है, ठंडी लग रही है, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, पढ़ाई लिखाई हो गई इधर इधर ऊपर, पढ़ाई लिखाई हो गई क्या, वन टू सुनाओ जल्दी। नहीं विक्की जा रहा है वापस घर, ये बटन है यहाँ पे, बटन गाइस अभी टेम्परेचर हो रहा है 6, तो काफ़ी भयंकर वाली ठंड हो रखी है, क्योंकि घर जा चुका है, आग से उठने का मन भी नहीं कर रहा है, तो मैंने और लकड़ियाँ डाल दी, बाल्टी में भी लकड़ी भरी पड़ी है, तो पूरा इंतजाम है हमारे पास ठंड से बचने का। वैसे रजाई में ही बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ बाहर बैठने में अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर आग सकते हैं, अभी मैं अकेले बैठा हूँ। तो गाइस अभी एक इमरजेंसी आ गई है, नीचे सिलेंडर ख़त्म हो चुका है और मैं आया हूँ ऊपर ही छोटा वाला सिलेंडर लेने के लिए, सो इसे लेके चलते हैं इमरजेंसी में। तो गाइस चालू करते हैं,
आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल। और मॉर्निंग में जाकर मैं वीडियो एंड कर पा रहा हूँ क्योंकि रात में रेंडर हो रही थी फाइल, उसी टाइम नींद आ गई थी ज्यादा और सो गया था। सो बाय गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी गाइस। और अभी नीचे जा रहा हूँ और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का कंटेंट लाया आप लोगों के लिए। डेली ब्लॉग की जिम्मेदारी ली है तो डेली एंटरटेनमेंट करना हमारा काम है। सो ऐसी वीडियो पर प्यार बनाए रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, लव यू।